हेलो दोस्तों, मैं अनुराग। ज्योग्राफी के आज के नए सेशन में आज हम माउंटेन की चर्चा करेंगे। और माउंटेन का जो ये भाग होगा, बस इतना ही होगा कि हम जो नए नए पर्वत हैं यूरोप महाद्वीप में, उसके बारे में जान लें कि कहाँ पे उसका लोकेशन है। क्योंकि लोकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ज्योग्राफिकल पार्ट को समझने के लिए, और माउंटेन उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ज्योग्राफी का, तो इसे हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो चलिए आज हम यूरोप महाद्वीप के माउंटेन यानी कि पर्वतों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग आज का जो होगा, यूरोप महाद्वीप के माउंटेन, क्या होगा? यूरोप महाद्वीप के पर्वत, यूरोप महाद्वीप के पर्वत, ये हमारा हेडिंग होगा। ठीक, अब यूरोप महाद्वीप के पर्वतों को समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसका मैप बना लेता हूं, और इस मैप के जरिए ही हम इसके लोकेशन को पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग उसको समझ सकेंगे बेहतर तरीके से। तो एक छोटा सा मैप इधर मैं यूरोप महाद्वीप का बना लेता हूं, जो आपको समझने के लिए बहुत सही रहेगा। तो ये हमारा यूरोप महाद्वीप के लिए जो है मैप है, ठीक, ये हमने यूरोप महाद्वीप का मैप बना लिया। और इस यूरोप महाद्वीप के मैप में मैं आपको शुरू करूंगा इस सेगमेंट से, यानी कि इस क्षेत्र से शुरू करता हुआ ऐसे, यानी कि पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ चलता जाऊंगा। पूरब से शुरू करूंगा ईस्ट से, और ये पश्चिम की तरफ होते 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 हुए फिर ये पूरा साउथ, और यहाँ पे जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे लाके इसको समाप्त कर दूंगा। तो इस क्षेत्र के दौरान या सफर के दौरान जो माउंटेन पड़ेंगे उनकी चर्चा मैं करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करता हूँ। यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र रूस में पड़ता है, और यह क्षेत्र रूस में जो पड़ता है वो रूस को और यूरोप को, यानी कि रूस का क्षेत्र जो है वो यूरोप में भी पड़ता है, और रूस का जो क्षेत्र है वो एशिया में भी पड़ता है। इन दोनों को बांटने का काम, डिवाइड करने का काम एक पर्वत करता है, और उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। क्या नाम है? यूराल पर्वत। तो यह है हमारा नंबर वन पे यूराल पर्वत। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूं। पहला है हमारा यूराल पर्वत। क्या है? यूराल पर्वत, ठीक, जो एशिया को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। पहली बात हो गई। अब मैं इसके आगे जब पढ़ूंगा तो आगे बढ़ते हुए मुझे ये स्कैंडिनेवियाई प्रदेश मिलेगा, और इसमें आपका तीन देश आता है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। मैं पीछे के लेक्चर में सब कुछ बता चुका हूं, आप हमारा पीछे का लेक्चर जाके देख लीजिए क्या होता है स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, वो सारी चीज मैं डिस्कस किया हूँ। यहाँ पे जो माउंटेन पाया जाता है इस क्षेत्र पर, ये माउंटेन पाया जाता है, तो मैं नंबर दो यहां पर कर दे रहा हूं। यहां है नॉर्वे और स्वीडन, यहां पर इसकी सीमा पर जो माउंटेन पाया जाता है उसका नाम है जोलेन पर्वत। तो यहां पर नॉर्वे और स्वीडन की सीमा पर जोलेन पर्वत है, तो यहां पर दूसरे नंबर पे मैं लिखता हूं जोलेन पर्वत, जोलेन, जोलेन पर्वत, ठीक। अब आपको अगर लिखना है तो यह लिख लीजिए कि ये नॉर्वे और स्वीडन, ये है नॉर्वे और ये है स्वीडन, तो नॉर्वे और स्वीडन की सीमा पर यह स्थित है। तो मैं ब्रैकेट में इसमें सिर्फ इतना ही लिखूंगा, नॉर्वे प्लस स्वीडन। इतना लिखने से आप लोग इतना समझ जाएंगे कि ये इसकी सीमा की बात की जा रही है, ठीक।
जब मैं अपनी सफर आगे बढ़ाता हूं तो आगे बढ़ाने के दौरान यहां मुझे ब्रिटिश द्वीप समूह मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्रिटिश द्वीप समूह मिलेगा, और यह ब्रिटिश द्वीप समूह पे जो पर्वत पाए जाते हैं उनकी मैं चर्चा करता हूं। ब्रिटिश द्वीप समूह पर आपके जो पर्वत पाया जाता है यह उत्तरी आयरलैंड है, यहां पे आपका उत्तरी आयरलैंड है ये क्षेत्र। तो थर्ड नंबर पे मैं करता हूं आपका उत्तरी आयरलैंड, और उत्तरी आयरलैंड पे आपका जो पाया जाता है वो है स्पेरीन पर्वत। क्या नाम है? स्पेरीन। तो यहां पे मैं लिखता हूं स्पेरीन पर्वत, और यह जो स्पेरीन पर्वत है यह मैंने कहां पे बताया आपको? उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड में पाया जाता है। ठीक है ना, यह क्लियर हो गया। आगे अगर मैं बात करूं इंग्लैंड, यहां पर है आपका इंग्लैंड, ये जो क्षेत्र है इंग्लैंड, तो मैं इसे चौथे नंबर पे मार्क करता हूं। इंग्लैंड में आपका जो पर्वत पाया जाता है उसे हम बोलते हैं पेनाइन पर्वत, पेनाइन पर्वत। ठीक है ना, तो मैं चौथे नंबर पे यहां पे लिखता हूं पेनाइन पर्वत, पेनाइन पर्वत। यह पेनाइन पर्वत कहां पे पाया जाएगा? इंग्लैंड में। कहां पे है? इंग्लैंड में पाया जाएगा। ठीक, और यहां पर यूके में, यूनाइटेड किंगडम, यह यूके में आपके दो पर्वत पाया जाता है। पहला है कैम्ब्रियन, ठीक है ना, तो कैम्ब्रियन पर्वत की अगर बात करेंगे तो वह कैम्ब्रियन पर्वत आपका कहां पे होगा? यूके में ही पाया जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग लिख लीजिए कैम्ब्रियन पर्वत पांचवें नंबर पर। तो यहां पे मैं पॉइंट आउट कर देता हूं पांचवा नंबर, पांचवा नंबर, और इसको मैं लिखता हूं कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन पर्वत, कैम्ब्रियन पर्वत। और यह कैम्ब्रियन पर्वत कहां पर है? तो यूके है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम है, और यह सारे के सारे ब्रिटिश द्वीप समूह के पर्वत हैं जो हमने उत्तरी आयरलैंड से शुरू किया था, और यह होते हुए आपका कहां तक गया है? इंग्लैंड और यूके, और स्कॉटलैंड भी इसी का एक हिस्सा है। ठीक है ना, वेल्स भी इसी का एक हिस्सा है। तो वेल्स में भी यहां पर एक पर्वत है जो कि आपका वेल्स पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो पांचवा वाला आप लिख लीजिए, छठा नंबर पे वेल्स पर्वत, छठवें नंबर पे आप लिखेंगे वेल्स। यहां पे नंबरिंग में कर दे रहा हूं सिक्स, तो यहां पे सिक्स वाला मैं लिखता हूं वेल्स पर्वत, वेल्स पर्वत। ठीक है ना, ये हो गया वेल्स पर्वत। कहां पे पाया जाएगा? तो ये भी यूके में है। कहां पे है? यूके में यह पर्वत है। ठीक है ना, यहीं पे है आपका स्कॉटलैंड। क्या है? स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड की अगर मैं बात करूं तो यहां भी एक पर्वत पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ग्रम्पियन पर्वत, स्कॉटलैंड। ये ब्रिटिश द्वीप समूह का एक क्षेत्र है स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड की अगर मैं बात करूं तो सातवें नंबर पर मैं यहां पे लिख देता हूं स्कॉटलैंड, और कौन सा पर्वत है? ग्रम्पियन। तो ग्रम्पियन पर्वत, ग्रम्पियन पर्वत कहां पर है? ये ब्रिटिश द्वीप समूह में है, और किस जगह पे? स्कॉटलैंड में है, स्कॉटलैंड में है। क्लियर हो गया ना, तो सारे के सारे जो हमारे तीसरे नंबर से लेकर और सातवें नंबर तक था ये सारे के सारे जो पर्वत थे ये ब्रिटिश द्वीप समूह के पर्वत थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश द्वीप समूह के पर्वत हैं, ब्रिटिश द्वीप समूह के पर्वत। क्लियर हो गया ये। अब मैं इधर यूराल पर्वत से शुरू किया, आगे बढ़ा तो मुझे स्कैंडिनेवियाई प्रदेश के जो पर्वत मिले जिसे हम बोलते हैं जोलेन पर्वत। फिर आगे जब मैं बढ़ा तो ब्रिटिश द्वीप समूह के पर्वत मिले मुझे, और ब्रिटिश द्वीप समूह के पर्वतों को समाप्त करने के बाद जब मैं और आगे बढ़ा पश्चिम के तट पर, तो यह पश्चिम के तट का यह जो क्षेत्र है यह क्षेत्र है आपका पुर्तगाल। क्या है? पुर्तगाल। और पुर्तगाल में
अगर मैं नंबरिंग करूं तो यहाँ पे 7 नंबर हो गया, आठवां और नवा नंबरिंग अगर मैं करूं इस तरह से, तो 8वें नंबर पे जो आपका पर्वत है उसे बोलेंगे कैम्ब्रियन। क्या बोलेंगे? कैंटाब्रियन, सॉरी कैम्ब्रियन तो आपका कहां पर है? ब्रिटिश द्वीप समूह में है। तो मोंजिक एंड कैंटाब्रियन दो पर्वत हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका मोंजिक पर्वत। क्या आएगा? मोंजिक पर्वत 8वें नंबर पर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 8वें नंबर पे मोंजिक, मोंजिक पर्वत, मोंजिक पर्वत। और यह मोंजिक पर्वत है आपका कहां पे? पुर्तगाल पे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पुर्तगाल में आपका मोंजिक पर्वत है। आगे जब 9वें नंबर पे जाएंगे, पुर्तगाल का क्षेत्र ये भी है, तो यह आपका है कैंटाब्रियन पर्वत। क्या नाम है? कैंटाब्रियन पर्वत। तो 9वें नंबर पे मैं लिखता हूं कैंटाब्रियन, कैंटाब्रियन पर्वत। ये भी आपका कहां पर है? तो ये भी आपका पुर्तगाल में ही है। तो ये आपका क्षेत्र हो गया पुर्तगाल का। अगर मैं आगे की बात करूं, यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र, तो यह क्षेत्र है आपका स्पेन। क्या है? स्पेन। और स्पेन में जब जाऊंगा मैं आगे, तो कैंटाब्रियन का ही भाग पर्वत का आगे इसमें भी मिलेगा। यानी कि कैंटाब्रियन जो पर्वत है वो आपका पुर्तगाल में भी है और स्पेन में भी है। तो 10वें नंबर को आप लोग लिख लीजिए, जो ये 10वें नंबर का पर्वत है वो है आपका सेम कैंटाब्रियन पर्वत। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर दिया, और यहां पर मैं इसको डैश बना के लिख देता हूं स्पेन में है। यह कहाँ पे है? स्पेन में भी है। इसका मतलब स्पेन में और पुर्तगाल में दो पर्वत ऐसे हैं जो सेम नाम से हैं। उसी पर्वत की श्रेणी आगे चलकर स्पेन में कैंटाब्रियन के नाम से भी जाना जाता है। अगर जस्ट मैं आगे की बात करूं, तो यहाँ पे 11वें नंबर का एक पर्वत है और यहाँ पे 12वें नंबर का एक पर्वत है। 11वें नंबर का जो पर्वत है उसे हम बोलते हैं सियरा मोरेना। क्या बोलेंगे? सियरा मोरेना। तो लिखते हैं यहाँ पे 11वां नंबर का जो पर्वत है, सियरा, सियरा मोरेना। और ये है कहाँ? तो ये भी स्पेन में है। और 12वें नंबर का जो है वो है आपका सियरा नावेदा। ठीक है ना? तो सियरा मोरेना और सियरा नावेदा ये दोनों ही आपके जो पर्वत हैं ये आपके कहाँ पे है? फ्रांस में, स्पेन में है। तो लिख लीजिए सियरा मोरेना और सियरा नेवादा 12वें नंबर का। सियरा नेवादा कहां पर है? ये भी आपका स्पेन में है। क्लियर हो गया? तो मैंने अभी पुर्तगाल की और स्पेन की चर्चा क्लियर कर दिया। आगे अगर मैं चलूंगा माउंटेन के क्रम में, तो आगे हमारा पड़ेगा फ्रांस। यहां पे है फ्रांस, और फ्रांस में जो पर्वत हैं वो एक पर्वत इसकी सीमा पर है, यानी कि बॉर्डर लाइन पर ही है। 13वां नंबर इसके बॉर्डर लाइन पे, 14वें नंबर फ्रांस में ही है, 15वां नंबर जो है वो स्विट्जरलैंड की सीमा पर है, और 16वें नंबर का ये इटली है। इसको मैं इटली बना लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो मैप में। तो इस तरह से ये आपका इटली हो गया है ये। और 16वें नंबर पे आपका जो बना है वो यहां पे बनेगा। ठीक है ना? तो आगे मैं लिखता हूं 14वें नंबर की बात मैं करता हूं। 12 हो गया ना, 13वें नंबर की। अगर मैं 13वें नंबर की बात करूं, तो जो 13वें नंबर का पर्वत है उसे बोलेंगे वॉस्जेस पर्वत। क्या बोलेंगे? वॉस्जेस पर्वत। और ये वॉस्जेस पर्वत कहाँ है? ये फ्रांस में है, मुख्य भूमि पर है फ्रांस की, वो सीमा पर नहीं है, फ्रांस की मुख्य भूमि में है। तो सीमा पर 13वें नंबर का कौन है? पिरेनीज पर्वत। तो लिख लीजिए पिरेनीज पर्वत, पिरेनीज पर्वत, पिरेनीज पर्वत। और ये किसकी किसकी सीमा पर है? तो ये है आपका
स्पेन और ये है आपका फ्रांस। तो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है, तो मैं इसको यहां पर बना देता हूं फ्रांस वर्सेस स्पेन। इसका क्या मतलब हुआ कि स्पेन और फ्रांस की सीमा पर है पिरेनीज पर्वत, ठीक। और अभी मैं आपको बताया कि मुख्य भूमि पर वोस्जेस पर्वत है जो कि 14वें नंबर पे आता है और फ्रांस में स्थित है, पूरा किसी की सीमा पर ये नहीं लगता जैसा कि आपने देखा। तो यहां पर है आपका वोस्जेस, क्या है वोस्जेस पर्वत, और यह वोस्जेस पर्वत भी कहाँ है, ये आपका है फ्रांस में, कहां पर है फ्रांस में। तो आप लोग वहां पे डैश बना के लिख लीजिएगा कि ये कहां पर है, जो मैं बोल रहा हूं उसे लिख लीजिएगा। अगर मैं 15वें नंबर की बात करूं तो ये भी देखिए सीमा पर बना रहा है, और यह जो पर्वत है इसे बोलेंगे जूरा पर्वत, क्या बोलेंगे जूरा पर्वत। तो यह फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है, कौन 15वें नंबर का जो है। तो यहां पर मैं लिखता हूं जूरा पर्वत, जूरा पर्वत है कहां पर, तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर। और 16वें नंबर का जो मेरा पर्वत है वो है आपका ये इटली और फ्रांस की सीमा पर स्थित है, इटली और फ्रांस की सीमा पर स्थित है, और इसका तो नाम जो होगा वो होगा आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत जो है वो आपका फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है। तो लिख लीजिए 16वें नंबर पे आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत। और अगर इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए फ्रांस और इटली की सीमा पर, अर्थात यह फ्रांस और इटली को अलग करता है। तो आपसे जब पूछा जाएगा कौन सा पर्वत फ्रांस और इटली को अलग करता है तो आल्प्स पर्वत हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा पर्वत स्पेन, ये क्या है स्पेन, ये क्या है फ्रांस, स्पेन और फ्रांस को अलग करता है तो आपका हो जाएगा 13वें नंबर का पिरेनीज पर्वत जो है वो स्पेन और फ्रांस को अलग करता है। क्लियर हो गया ना। तो ये हमने फ्रांस के मतलब जो पर्वत थे उसके बारे में चर्चा कर लिया। अब मैं आता हूं जर्मनी की चर्चा करता हूं। ये जो क्षेत्र है जर्मनी है, क्या है जर्मनी। तो जर्मनी में जो पर्वत है, जर्मनी में मुख्यतः तीन पर्वत हैं जो इंपॉर्टेंट है, और वो मैं नंबरिंग डालता हूं 16 तक हो गया, 17, बीच में 18 और इधर साइड में 19। जो 17 है आपका उसे बोलते हैं ब्लॉक पर्वत, क्या बोलेंगे ब्लॉक पर्वत। तो यहां पर 17 मैं लिखता हूं ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत। और यह ब्लॉक पर्वत है कहाँ, तो यह है जर्मनी में। फ्रांस के बाद कौन सा देश आता है, जर्मनी आता है, तो जर्मनी में है। और ब्लॉक पर्वत के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह एक भ्रंशोत्त पर्वत है, यानी कि इसे मैं बोलूंगा फॉल्टेड माउंटेन, ठीक। और 18 वाला भी है, ये भी फॉल्टेड माउंटेन है, इसे हम जूरा पर्वत बोलेंगे, क्या बोलेंगे जूरा पर्वत हो गया है, हॉर्ज पर्वत बोलेंगे, क्या बोलेंगे हॉर्ज। तो 18 वाला जो नंबरिंग मुझे करना है मैं यहां पर कर देता हूं 18 वाला। तो इसे मैं लिखता हूं हॉर्ज पर्वत, क्या लिखता हूं हॉर्ज पर्वत। ये हॉर्ज पर्वत कहाँ है, तो मैंने बताया कि ये जर्मनी में है, तो ब्रेकेट में मैं लिख दे रहा हूं जर्मनी। क्लियर हो गया ना, जर्मनी में है। और 19 वाला जो है ये भी आल्प्स पर्वत है, और यह जो आल्प्स पर्वत है इसे हम लोग डिनारिक आल्प से नाम से जानते हैं, किसे डिनारिक नहीं विवेरियन आल्प, सॉरी डिनारिक आल्प तो अभी आगे आएगा। तो यहाँ पे जो 19 वाला है जर्मनी में पड़ता है इसे हम बोलते हैं आल्प पर्वत, लेकिन यह आल्प पर्वत का नामकरण कुछ और है जिसे बिवेरियन आल्प के नाम से जानते हैं। तो लिख लेते हैं बिवेरियन, बिवेरियन, बिवेरियन आल्प्स, बिवेरियन आल्प्स। और यह कहाँ है, यह भी जर्मनी में है। क्लियर हो गया। तो जर्मनी के तीन पर्वत हमने
आपको बता दिए। अब इधर का जो यह क्षेत्र है यह है इटली। क्या है? इटली। इस इटली के क्षेत्र पे हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो इटली में शुरुआत में ही जो आल्प्स पर्वत की श्रृंखला फैली हुई है, यहां देखिए मैंने आपको 16वें नंबर पे क्या बताया था कि यह आपका क्या है, आपका फ्रांस है। और फ्रांस और इटली को जो पर्वत अलग करती है उसे बोलते हैं आल्प्स पर्वत। तो यह हुआ, तो इटली में जो आल्प्स पर्वत है उसे बोलते हैं इटालियन आल्प्स। तो 17वें नंबर पे हम लोग यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे ये है इटालियन आल्प्स। तो 19 हो गया, तो 20 नंबर डालते हैं, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 20वां नंबर। क्या हो जाएगा? 20वां नंबर। तो 20वें नंबर पे हमारा आएगा इटालियन आल्प्स। इटालियन आल्प्स कहां पर है ये? तो यह इटली में है, मैं यहां पर लिख देता हूं इटली। क्लियर हो गया। 21वें नंबर पे मैं यहां पे बनाता हूं, ये 21वां नंबर हो गया। और यह जो 21वां नंबर है यह भी इटली के मुख्य भाग में आता है, और इधे इसे हम बोलते हैं एपेनाइन, एपेनाइन पर्वत। क्या बोलते हैं? एपेनाइन पर्वत। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 21वां नंबर एपेनाइन पर्वत, एपेनाइन पर्वत। और एपेनाइन पर्वत भी कहां पर है? इटली में है। कहां पर है? इटली में है। ठीक, आगे जब मैं बढ़ूंगा तो यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है इस जगह पे, ये यह क्षेत्र, और इस क्षेत्र को मैं 22वां नंबर देता हूं। क्या नंबर देता हूं? 22वां नंबर देता हूं। और इस 22वें नंबर की अगर मैं बात करूं तो इस क्षेत्र को बोलते हैं निपल्स। क्या नंबर, क्या बोलते हैं इसे? इसे हम लोग बोलते हैं निपल्स। तो निपल्स यह क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र का मुझे नाम लिखना पड़ेगा निपल्स, निपल्स है। और निपल्स वाले जो क्षेत्र है, इस निपल्स के क्षेत्र पे आपका जो पर्वत है उस पर्वत का नाम है माउंट विसुवियस, यानी कि विसुवियस पर्वत। तो यहां पे 22वां नंबर मैं लिखता हूं विसुवियस पर्वत, विसुवियस, विसुवियस पर्वत। ठीक है ना? कहाँ पे है? तो इटली के नेपल्स के क्षेत्र में है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेपल्स लिख देता हूँ, और है ये कहाँ? इटली में ही। आगे जब मैं इटली में जाऊंगा तो इस जगह पर एक छोटा सा द्वीप पड़ता है, ठीक है ना? इसकी नंबरिंग मैं करता हूँ 23वां नंबर, ठीक है ना? और इसे हम बोलते हैं लिपारी द्वीप। क्या बोलेंगे? लिपारी द्वीप। और इस लिपारी द्वीप पर जो पर्वत होगा उसे बोलते हैं माउंट स्ट्रामबोली, यानी कि स्ट्रामबोली पर्वत। तो 23वें नंबर का जो पर्वत है, मुझे यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं 23वें नंबर का पर्वत, तो यहां पर है माउंट स्ट्रामबोली, यानी कि स्ट्रामबोली पर्वत, स्ट्रामबोली, स्ट्रामबोली पर्वत। ठीक है ना? कहां पर पड़ता है? तो 23वां नंबर का जो छोटा सा द्वीप बनाया हूं मैं, क्या बोला इसे? लिपारी द्वीप है। कौन सा द्वीप है? लिपारी द्वीप है, ठीक है ना? और यहां पर एक नीचे इस जगह पर देखिए, इसको मैं अलग पेन से बना देता हूं, यह जो क्षेत्र है यह, इसको मैं 24वां नंबर देता हूं। कौन सा? 24वां नंबर देता हूं। ये भी इटली के दायरे में, इटली के क्षेत्र में आएगा, और इस द्वीप का नाम है सिसिली द्वीप। क्या नाम है? सिसिली द्वीप। ये वाला 23वें नंबर का द्वीप का क्या नाम था? लिपारी द्वीप। और 24वें नाम का क्या है? सिसिली द्वीप। और इस सिसिली द्वीप पर जो पर्वत पाया जाता है उस पर्वत का नाम है माउंट एटना। क्या नाम है? माउंट एटना। तो 24वां नंबर जो मैं लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं एटना पर्वत, या माउंट एटना लिख लीजिए आप, माउंट एटना, माउंट एटना। अगर मैं लिखूं यहां पे द्वीप का नाम, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं लिपारी द्वीप। कौन सा द्वीप? लिपारी द्वीप। और इस वाले का मैं अगर नाम लिखूं तो ये है आपका सिसिली द्वीप। क्या नाम है? सिसिली, सिसिली द्वीप नाम है इसका। क्लियर हो गया ना?
तो यह हो गया हमारा 24वें नंबर का पर्वत। तो इटली में 20, 21, 22, 23, 24, 24 तक इधर साइड में हम शुरू हो गए हैं, मतलब कर लिए हैं। अब आगे मैं बढ़ूं तो यहां पर है ग्रीस। क्या है? ग्रीस। और इसे हम लोग एथेंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एथेंस के नाम से जानते हैं। और इस ग्रीस में या इस एथेंस में दो पर्वत पाए जाते हैं। और पहला पर्वत का नाम है पेलियोपोनेजी पर्वत। क्या नाम है? तो 25वें नंबर पे इसे हम नाम देते हैं। नाम थोड़ा सा लंबा और अटपट नाम है, लेकिन फिर भी हम इसे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं यहां पर। तो इसका नाम है पेलोपोनीज पर्वत। ये हो गया हमारा कहां पर है, यह जो क्षेत्र है 25वां, ये है ग्रीस यानी कि एथेंस, ठीक है ना। और यहीं पर एक पर्वत और पाया जाता है जिसका नाम है पिंडस पर्वत। क्या नाम है? पिंडस। तो यहीं पे मैं 26वां नंबर का नंबरिंग कर देता हूं ये, और यहीं पे मैं लिख देता हूं पिंडस पर्वत। पिंडस पर्वत, क्लियर हो गया? ये हो गया। तो 26 पर्वत इधर साइड में हो गया। अब आगे अगर मैं जब बढ़ूंगा तो आगे यहां पे काला सागर आएगा, ये है काला सागर, और यहां पे आएगा कैस्पियन सागर। दो सागर आएंगे यहां पे, काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में। ये काला सागर है आपका ब्लैक सी, और ये है कैस्पियन सागर यानी कि कैस्पियन सी। इसके बीच में एक पर्वत है, इसके बीच में पर्वत है, और इस पर्वत का नाम है काकेकस पर्वत। क्या नाम है? काकेकस पर्वत। तो 26 हो गया, 27वें नंबर का यहां पर मैं करता हूं काकेकस पर्वत। तो 27वें नंबर वाला मैं इसके अंदर ही लिख देता हूं, काकेकस पर्वत। काकेकस पर्वत ये है हमारा 27वें नंबर का। काकेकस पर्वत की स्थिति कहाँ है? तो काला सागर और किसके बीच में? कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है। और अगर मैं बोलूं कि पूरे यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, उसके बारे में बताओ, तो इसी काकेकस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। क्या नाम है उसका? माउंट एल्ब्रुस काकेकस पर्वत पर ही स्थित है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं माउंट एल्ब्रुस। एल्ब्रुस यह पूरे यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, या सबसे ऊंचा पर्वत है, जो काकेकस पर्वतमाला पर पाई जाती है। क्लियर? अब काकेकस पर्वत के इर्द गिर्द के जो क्षेत्र हैं, जो देश हैं, कभी कभी वो आपसे पूछ लेगा, तो आप लोग लिख लीजिए काकेकस पर्वत के आसपास के क्षेत्र रूस है, पहला है रसिया, दूसरा है आपका जॉर्जिया, जॉर्जिया दूसरा है, और तीसरा है आपका अजरबैजान, और चौथा है आपका आर्मेनिया। तो यहाँ पे है रूस, यहाँ पे है जॉर्जिया, यहाँ पे है अजरबैजान, और यहाँ पे है आपका आर्मेनिया। तो इसी के आसपास का जो देश है उसको हम लोग बोलते हैं काकेकस कंट्री। और काकेकस कंट्री में तीन देश आते हैं, मैंने नाम बताया चार, और इन्हीं चार में से रूस को छोड़कर बाकी जो तीन देश हैं यानी कि जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया, ये तीनों देश काकेकस देश या काकेकस कंट्री के नाम से जाने जाते हैं। अगली अगर मैं बात करूं माउंट एल्ब्रुस की, तो माउंट एल्ब्रुस जो है रूस और जॉर्जिया की सीमा पर स्थित पूरे यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी या पर्वत माला है, ठीक है ना। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एल्ब्रुस, जो रूस और जॉर्जिया की सीमा पर स्थित है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब दो पर्वत और बचे हैं यहां पर, इस जगह पर है ग्रीनलैंड। क्या है? ग्रीनलैंड। तो उसकी भी मैं चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि
कितने नंबर का हुआ, 27। तो यहां पे 28 और 29 दो नंबर और डाल देते हैं। 28वां और जो 29वां नंबर का है वो है जो जोलेन पर्वत, तो आपने पढ़ा था कहाँ पर था, स्कैंडिनेवियाई देश में, जो नॉर्वे और स्वीडन को अलग करता था। जस्ट उसके सीध पे आएंगे, ऐसे ही चीज पर आएंगे तो ग्रीनलैंड पड़ेगा। वहां पर आपका दो पर्वतमाला है, पहला है हेकला, क्या नाम है, हेकला पर्वत, हेकला पर्वत, और दूसरा है लौकी, क्या नाम है, लौकी पर्वत। तो ये भी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये भी आप लोग स्टडी में रख लीजिए। और एक रूस, मैंने आपको बताया था कि ये यूराल पर्वत जो है रूस एशिया में भी पड़ेगा और रूस यूरोप में भी पड़ेगा। तो एशिया में अगर मैं बोलूंगा जो रूस वाला हिस्सा है वहां पर एक है बरखोयांस्क, यहां पर है बरखोयांस्क इस जगह पर। तो बरखोयांस्क पर्वत अगर आपसे पूछ लेगा तो कहां पर है, यहां पर है रूस में है। तो 30 नंबर पे आप लोग यहां पर इसको डाल दीजिए, यह तो इसको मैं लिख देता हूं इस साइड में बरखोयांस्क। अगर मुझे लिखना होगा तो यहां पर मैं लिख देता हूं बरखों यास्क पर्वत, बरखों यास्क पर्वत। आई थिंक आपको ये चीज दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। तो ये चीज हो गया पूरे पर्वतों के बारे में। अब इसमें मैं थोड़ा सा जिक्र आप लोगों को करके बता दूं हल्का फुल्का, कि देखिए पूरे यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंचा पर्वत पता चल गया माउंट एल्ब्रुस, जो काकेकस पर्वत पर है। फिर सब भ्रंश पर्वत जिसे हम बोलते हैं फॉल्टेड माउंटेन, वो आपका क्या है, 17वें नंबर पर ब्लॉक पर्वत है। और अगर आपसे पूछा जाएगा यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंचा ब्लॉक पर्वत कौन सा है, यानी कि फॉल्टेड माउंटेन कौन है, तो आपका भ्रंशोत्त पर्वत, ब्लॉक पर्वत ही वो भ्रंशोत्त पर्वत होता है, तो 17वें नंबर वाला होगा जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। क्या है ये, तो ये सबसे बड़ा पर्वत किस मामले में है, भ्रंशोत्त पर्वत के नाम से है या फिर फॉल्टेड माउंटेन के नाम से। क्लियर। पिंडस माउंटेन हमने जो लिखा है, पिंडस पर्वत, यह चूने की चूनेदार परतदार पर्वत है, यानी कि चूने की परतदार पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है पिंडस पर्वत। आगे अगर मैं बात करूं कि यूराल पर्वत की, तो यूराल पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात करूं यूराल पर्वत की, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी नोरोडनिया है। क्या नाम है, नोरोडनिया। तो अगर लिखना चाहें तो आप लोग लिख लीजिए, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं नोरोडनिया, सबसे ऊंची चोटी इसकी यही है यूराल पर्वत की। और यह एक रेसिडुअल माउंटेन है, यानी कि अवशिष्ट पर्वत है, यानी कि छट छट के परतदार इरोजन होते हुए इस पर्वत का इरोजन हो रहा है, कट कट के वो पर्वत धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इस ऐसे पर्वतों को हम लोग कहते हैं रेसिडुअल माउंटेन या फिर अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा अवशिष्ट पर्वत भी होगा। आगे अगर मैं बात करूं पुर्तगाल, स्पेन और इधर साइड का, ये जो दोनों देशों के जो पर्वत हैं ये सारे के सारे आपके अवशिष्ट पर्वत है, यानी कि रेसिडुअल माउंटेन है। इसमें आपका मोंजिक हो गया, कैंटाब्रियन हो गया, सियरा नेवादा हो गया और सियरा मोरेना हो गया, ये सारे के सारे आपके अवशिष्ट पर्वत या फिर रेसिडुअल पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। और रेसिडुअल पर्वतों में अगर मैं बात करूं तो जोलेन पर्वत भी रेसिडुअल पर्वतों में शामिल है। और यहां पर मैंने आपको बात किया था 16वें नंबर पर इस क्षेत्र में आपका आल्प्स पर्वत है, और आल्प्स पर्वत की अगर मैं बात करूं तो ये नवीन मोड़दार पर्वत है, यानी कि नवीन मोड़दार पर्वत जैसे हमारे यहाँ हिमालय पर्वत है वैसे आल्प्स पर्वत भी नवीन मोड़दार पर्वत के नाम से
जाना जाता है। क्लियर हो गया। और आगे अगर मैं बात करूं तो भ्रंशोत् पर्वत कौन है, फॉल्टेड माउंटेन कौन है, तो जूरा पर्वत 14वें नंबर पे, 18वें नंबर पे और 17वें नंबर पे ब्लाक पर्वत। और अगर ब्लाक पर्वत की बात हो ही रही है तो ब्लाक पर्वत जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत भ्रंशोत् पर्वत के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। और इसमें अगर मैं अब बात करूं कि आई थिंक सारा चीज तो क्लियर हो ही गया है, इसमें और कुछ बताने को रहा नहीं, थोड़ा बहुत और है। जैसे आपको स्ट्राम्बोली की मैं बात करूं, माउंट स्ट्राम्बोली इधर साइड में, तो इसे एशिया का प्रकाश स्तंभ के नाम से जानते हैं। माउंट स्ट्राम्बोली कहाँ है, यह है इटली में, और एशिया ने यूरोप का प्रकाश स्तंभ के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है ना। और यूके में अगर मैं बोलूंगा पेनाइन की, कहाँ है यूके, ये है, और ये चौथे पांचवें नंबर पे, चौथे नंबर पे देखिए पेनाइन पर्वत इंग्लैंड में जो है, इसको हम बोलते हैं इंग्लैंड का मेरुदंड। किस पर्वत को इंग्लैंड के मेरुदंड या मेरुरज के नाम से जानते हैं, तो पेनाइन पर्वत को इंग्लैंड के मेरुदंड या मेरुरज के नाम से भी जाना जाता है। तो छोटे छोटे फैक्ट हैं पर्वतों के नाम से, आप लोग ये भी जानिए। और इटली में जो ये माउंट एटना है 24वां नंबर, और तीसरा वाला जो स्ट्राम्बोली है, ये आपका यहाँ पे ज्वालामुखी बहुत ज्यादा होती है, एक्टिव यहाँ पे वेल्केनोज है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी इस क्षेत्र में है। तो सक्रिय ज्वालामुखी वाला अगर आपसे पर्वत पूछेगा तो माउंट एटना और स्ट्राम्बोली जो लिपारी और सिसली द्वीप पर स्थित है और यह इटली में आता है। जबकि जो निपल्स वाला क्षेत्र है 22वां, ये भी इटली में है और यहाँ पे माउंट विसुवियस पाया जाता है। ये एक्टिव वेल्केनोज नहीं है, ये डोरमेंट है, यानी कि प्रसुप्त। एक होता सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता प्रसुप्त ज्वालामुखी, तो ये डोरमेंट वेल्केनोज है, यानी कि प्रसुप्त ज्वालामुखी वाला पर्वत इस क्षेत्र में है, जिसे हम माउंट विसुवियस के नाम से जानते हैं। तो ये भी हो गया। इधर में हेकला पर्वत और लौकी पर्वत की जब मैं बात किया ग्रीनलैंड में, तो ये भी आपके एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी वाले पर्वत हैं, एक्टिव वेल्केनोज वाले पर्वत यहाँ पर पाए जाते हैं। तो कभी कभी आपसे पर्वतों के विशेषताओं के बारे में भी पूछ लेता है कि कौन से यह विशेषता पर्वत की है। हालांकि आप लोग दिक्कत में बिल्कुल न रहिए, ये तो मैं कितने पर्वत पाए गए हैं उनकी बात किया हूं। अगला जो मेरा लेक्चर होगा वो यूरोप महाद्वीप के पर्वतों के विस्तार को लेकर होगा, क्योंकि विशेषताओं को लेकर हम अगर चलें तो कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, और आपको बहुत ही विधिवत और अच्छी तरह से मैं आपको पर्वतों को ऐसे पढ़ा दूंगा कि यकीन मानिए कि आप लोग भूलेंगे नहीं, बस दो तीन बार इसे देख लेंगे। तो कैसा लगा हमारा वीडियो यूरोप महाद्वीप के पर्वतों को लेकर, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय बाय।